कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने पर हरियाणा की मनोहर सरकार पर जमकर हमला बोला। रेवाड़ी के कोसली में आयोजित होली मिलन समारोह में मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में खट्टर सरकार ने प्रदेश को नंबर 1 के पायदान से शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक समय था जब हरियाणा विकास के मामले में देश में सबसे पहले स्थान पर हुआ करता था, वहीं अब प्रदेश के युवा से लेकर हर वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पिछले 2 साल से सरकार ने शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाली है, जो भर्ती निकलती है वो पेपर लीक होने के बाद भेंट चढ़ जाती है। 9 साल की इस खट्टर सरकार के कार्यकाल में हमारा इलाका भी पिछड़ा और पूरा हरियाणा भी पिछड़ा। जो हरियाणा विकास के मामले में देश में सबसे आगे गिनती होती थी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हम देश में सबसे आगे आते थे। 2014 से पहले देश में विकास के मामले में कोई भी मापदंड देखते थे तो हरियाणा का नाम आता था, चाहे वो गरीब के कल्याणकारी योजना हो, चाहे वो किसानों के हितकारी योजना हो, चाहे देश में सबसे ज्यादा पेंशन की बात हो। आज वही हरियाणा 9 साल की खट्टर सरकार के इस कार्यकाल के बाद आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 तो हरियाणा पहुंच गया। ना तो इंडस्ट्री आई, ना कहीं कोई बड़ी औद्योगिक क्षेत्र बना, कोई थर्मल के कारखाने लगे, कई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, शैक्षणिक संस्थान आए या थर्मल के कारखाने लगे, औद्योगिक क्षेत्र बनागा, ना ही इंडस्ट्री कंपनियां लगी, ना ही निजी क्षेत्र में रोजगार मिला। और सरकारी क्षेत्र के अंदर तो इस सरकार में 2 लाख से ज्यादा तो सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी गई। 9 साल से शिक्षकों तक की भर्ती नहीं हुई, बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा और जो भर्तियां निकली थी वो पेपर लीक घोटालों के भेंट चढ़ गई। वही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ईट एंट्रिंग के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व बनता है कि बातचीत के जरिए इस तरह के मुद्दे को सुलझाएं। लाठियां बरसाना किसी भी बात का समाधान नहीं होता है। दीपेंद्र ने तो ये तक कह दिया कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग को अपमानित करने का काम कर रही है। आज कोसली क्षेत्र में इतनी जोश के साथ, इतनी भावना के साथ जो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो निकल के आए इस कार्यक्रम में, वो एक प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि एक बात का प्रतीक है कि प्रदेशवासी और कोसलीवासी परिवर्तन चाहते हैं। हरियाणा की सरकार के कार्यकारी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। 9 साल में इस इलाके के साथ बड़ा भेदभाव और बहुत अनदेखी हुई इस सरकार में, और पूरे हरियाणा के को विकास की पटरी से सरकार ने उतारा। लोग अब मन बना चुके हैं आने वाले समय बदलाव। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच कोई बात है, किसी भी वर्ग से कोई बात है, सरकार को मान सम्मान से बातचीत से सॉर्ट आउट करना चाहिए, किसी का अपमान करके नहीं। सरकारें मान सम्मान देके चला करती हैं, सरकारी अपमान करके नहीं। ये तो सरकार हर वर्ग का अपमान करती है। होली मिलन समारोह में शामिल होने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को रंगों के त्योहार की शुभकामनाएं दी। मौका भले ही रंगों के त्योहार होली को लेकर आयोजित समारोह का था, लेकिन इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, महंगाई और विकास दर जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर बम फोड़े। दीपेंद्र ने हरियाणा सरकार को जमकर निशाने पर लिया और मंच से खूब गर्जे। कोसली से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।